राहत होने जा तो रही है, लेकिन एक कितने टाइम तक रहेगा? अभी चुनाव का समय है, उस माहौल को देखते हुए कोई लाली पप तो नहीं है। नहीं, फ़ायदेमंद होगी सर, अगर पेंशन उनको मिलेगी और एक ग्रेजुटी मिलेगी, एक पीएफ कटेगा उनका, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है ना, बचेगा। मान लो जो प्राइवेट नौकरी सेक्टर में, भाई आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पैसे नहीं बचते हैं। उनके माइंड में एक चीज़ हो जाएगी कि हाँ चलो हमारे पैसे कहीं कट रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होगा, कल को रिटायर होंगे तो उनको पैसा मिलेगा ताकि वो अपना यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू मतलब जो हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो सपोर्ट बढ़िया रहेगा सबके लिए। फिलहाल आज के बजट से क्या आपको लग रहा है? ठीक है, बढ़िया। नौकरी पेशा लोगों के लिए? हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया है। जो पेंशन वाला स्कीम है, सैलरी बेसिस जो कर रहे हैं, बढ़िया है। मार्केट के अंदर लेकिन जो भी सुविधा थी गवर्नमेंट को मिल रही थी, सरकार जॉब को मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पर प्राइवेट को कोई सुविधा नहीं थी। ये सुविधा हमको जो मिली है, ये बेटर सुविधा है। अपने मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने जो 60 साल के ऊपर के पेंशन दारी जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो भी अगर पेंशन आए तो उनको भी 3000 हर महीने मिलेगा। ये सबसे अच्छा स्कीम है, क्योंकि हर प्राइवेट सेक्टर के लोग इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसको इस गवर्नमेंट ने समझा, उसको प्रोत्साहित किया है। जो भी स्कीमें अभी तक आ रही है, हम लोग पीछे देखे आए, सब अच्छी स्कीम आ रही है और आगे भी आएगी तो गवर्नमेंट अच्छा दे रही है। उसमें बहुत सही है जो चीज़ें लेके आई है, नई चीज़ें, कम से कम ये सराहनीय कदम है कि आगे बढ़ रही है इसका। बहुत फायदा होगा, ये जो सरकार जो है, ये करीब करीब कुछ नहीं तो आम जो जनता है उसके बारे में पर्याप्त सोच रही है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो भी बड़े व्यापारी हैं, जो भी बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए तो मायने नहीं रखता है, बट मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ा ही फायदा है।